हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोचिंग हब्स। मेरा नाम है अंजलि। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप डेटा एंट्री का काम घर बैठे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और डेटा एंट्री का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको काम शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि डेटा एंट्री करने के लिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। डेटा एंट्री करते समय जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट है तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप अपनी टाइपिंग स्पीड को उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको ज्यादा इनकम में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा डेटा एंट्री के लिए महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपको टाइपिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और आपकी टाइपिंग जो होती है वो 100% एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं उन सोर्सेज की जिनकी हेल्प से आपको डेटा एंट्री का काम आसानी से मिल पाएगा। तो इसमें जो पहला सोर्स है वो है इंटरनेट। ऑनलाइन जगत में इंटरनेट की काफी अच्छी जानकारी होने की वजह से आपको डेटा एंट्री का काम बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि इंटरनेट बोल दिया। देखिए इंटरनेट का जो ज्ञान है वो सभी को है। थोड़ा मोड़ा ज्ञान होने से इसमें बात नहीं बनने वाली। आपको इंटरनेट का काफी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा काफी अच्छा ज्ञान आपको इंटरनेट में होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी सर्चिंग स्पीड बढ़ेगी और आप उन वेबसाइट्स के बारे में पता लगा पाएंगे जिन वेबसाइट्स में आपको काम करना है और जहां से आपको काम मिलने वाला है। इसके अलावा इंटरनेट में अच्छा ज्ञान होने से आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट्स फेक है और किन वेबसाइट पे आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं सेकंड सोर्स की जो है रेपुटेटेड वेबसाइट्स। इसका मतलब है कि आपको रेपुटेटेड वेबसाइट्स में ही काम करना चाहिए, जैसे कि fiverr.com, upwork.com आदि। इन तरीके की वेबसाइट्स में काम करने से आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड बहुत सारा काम आसानी से मिल जाता है। इन तरीके की वेबसाइट्स में आपको डेटा एंट्री के अलावा ग्राफिक और वेब से रिलेटेड भी काफी सारे काम आसानी से मिल जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है और जॉब के लिए रिक्वेस्ट करना होता है और उसके बाद आप आसानी से इन वेबसाइट में अपनी काम को शुरू कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड सोर्स की। जो थर्ड सोर्स है वो है माइक्रो जॉब साइट्स। माइक्रो जॉब साइट्स जैसे कि naukri.com, इंडीड और हबस्टॉप से भी आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड काफी सारा काम आसानी से मिल जाता है। तो आप इसमें रजिस्टर कीजिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको बहुत सारा काम इसकी सहायता से मिल सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट सोर्स की। जो लास्ट सोर्स है वो है कैप्चा एंट्री साइट्स। कैप्चा एंट्री साइट्स जैसे टू कैप्चा, प्रो टाइपर्स, मेगा टाइपर्स और कैप्चा टाइपर्स जैसी वेबसाइट से भी आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड काफी अच्छी जॉब्स ऑफर की जाती हैं और यहाँ पे आप अपने से रिलेटेड काफी अच्छी जॉब्स को पा सकते हैं। तो आप कैप्चा एंट्री साइट्स में जाके कैप्चा एंट्री करके भी डेटा एंट्री से रिलेटेड काफी सारे काम पा सकते हैं। कैप्चा एंट्री करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आप इन साइट्स को एक बार जरूर विजिट कीजिए और देखिए ये आपको कैसी लगती है। तो गाइस ये थे वो फोर सोर्सेस या कह लीजिए कि प्लेसेस जिनकी सहायता से आपको डेटा एंट्री वर्क ऑनलाइन करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।